परीक्षाओं में तैयारी के लिए बड़े काम के हैं ये तीन वास्तु टिप्स। परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में बिना तनाव के अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके लिए पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं करते। यदि वह कुछ वास्तु टिप्स भी आजमाएं तो बच्चों की मानसिक शक्ति में इजाफा तो होगा ही, साथ ही वह अच्छे नंबर लाकर क्लास में पहले पायदान पर भी आ सकते हैं। वैसे तो वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनमें से चुनिंदा ये वास्तु टिप्स ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। स्टडी रूम हमेशा उत्तर पश्चिम में ही होना चाहिए और चेहरा पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर रखें। ऐसे में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। जब एकाग्रता बनी रहेगी तो याद भी जल्दी और ज्यादा समय तक रहेगा और आप एग्जाम के समय बिना नर्वस हुए बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। पढ़ते समय चेयर पर सीधे बैठें। ऐसा करने पर आपकी पीठ में मौजूद मेरुरज्जु का वह भाग ज्यादा सक्रिय रहेगा जो याद करने की क्षमता तो तेज करता है। स्टडी रूम के माहौल को सकारात्मक बनाने का लिए वहां माता सरस्वती और श्री गणेश जी की पोस्टर लगाएं। इसके साथ ही प्राकृतिक चित्र जैसे किसी हिल स्टेशन का चित्र लगाएं। स्टडी रूम में यदि महान वैज्ञानिकों के चित्र लगाएं तो उनके द्वारा कभी न हार मानने वाली बात मन में रहेगी और बच्चे बिना आलस्य के स्टडी रूम में पूरी एकाग्रता के साथ अपने अध्ययन को बेहतर तरीके से कर सकेंगे।